दोस्तों कैसे हैं। मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि मैं बहुत पहले दिया था नौकार कॉरपोरेशन पे, और अभी थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव स्पाइक दिख रहा है, तो सोचा कि अब आपके पास इसको लेके आना चाहिए, क्योंकि ये 41-25 का लो बनाने के बाद कल ही लो बनाया है ये, और अब एक थोड़ा सा स्पाइक दिख रहा है, तो अच्छा ही है और अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। तो 35 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी चाहे तो आप इसमें बाइंग पैटर्न कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के साथ अब ये बढ़ रहा है। आज आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये रनिंग मार्केट है, और आज 19 तारीख है, और ये 45-55 का 80 का हाई लगाने के बाद वही 45-55 के हाई के पास खड़ा है। और चूंकि ये आप समझेंगे कल उसने क्या किया था कि 45 से 176% का डिप मारा था और उसके बाद अप लिया था। इनफैक्ट अगर अभी रनिंग ट्रेंड में बोलें तो इसका वॉल्यूम वेटेड अपने 44-52 का होना चाहिए, 45-40 पे चल रहा है, 1 रुपया प्लस में चल रहा है, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी 1 रुपया प्लस चल रहा है, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड जैसा देखने को मिल रहा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में रिकवरी हो चाहे लेग रिकवरी, इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और एज ए फाइनेंशियल अगर देखिए इसके बारे में डिटेल जानना चाहें तो क्या है ये नौकार कॉरपोरेशन। नौकार कॉरपोरेशन इज ए होल्डिंग कंपनी, दी कंपनी इज एंगेज इन कंटेनर फ्रेट CFS ऑपरेशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ये अपना कंटेनर टर्मिनल जो है, अपना कंटेनर शिफ्ट करने का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो कंटेनर होता है उसको लोड करने का, अनलोड करने का। इनफैक्ट वापी में नया टर्मिनल इसने लिया हुआ है, तो वापी में इसका स्ट्रॉन्ग बेस है कंटेनर हैंडलिंग का, और उसी से भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। रिसेंटली ये 218 से फॉलो करके 41 पे आया था, लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इसका जो था बहुत अच्छा नहीं था, और अगर आप देखेंगे तो अभी टोटल प्रॉफिट 164 करोड़ का इसने अभी तक बताया हुआ, जो लास्ट 167 बताया था, और 36% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये बता रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो जून का आप देखेंगे वो तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे 115 के 117 बताया था, और 117 के बाद 112 बताया था, तो थोड़ा सा एक डीप आया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डीप आया था। बट अगर अगर ये 18 की जगह हम सितंबर 17 की बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा 107 की जगह 112 बताया था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ह्यूज इसमें कॉस्ट आया था, क्योंकि डीजल का कॉस्ट जो था इनका, इनके सामने डीजल का कॉस्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ था उसके कारण से, और टर्मिनल रेलवे ने भी रेट बढ़ा दिया था इसका, रेलवे से साथ ये 100 वापी में 139 ट्रेन को हैंडलिंग करता है, कैटरिंग करता है, ये 139 वापी में इसको जो अपने कंटेनर है उसको हैंडलिंग का काम करता है, तो उसमें रेलवे ने भी स्टैक बढ़ाया था। दूसरा इसका ऑपरेशन रेलवे का ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, और दूसरा ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट वो भी बढ़ गया था। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इसके डीजल का, तो डीजल ने एक अच्छा खासा हाइक दिया था। तो जैसे आप देख रहे हैं कि क्रूड अभी नीचे जा रहा है, तो इसको शायद ये बेनिफिट इसको देखने को मिलेगा। अगर इसके सामने अगर कोई दूसरा शेयर आपको पसंद है तो कंटेनर कॉरपोरेशन आपको देखना चाहिए। तो कंटेनर कॉरपोरेशन एक अच्छा शेयर है, और इसके व्याप में अगर देखेंगे तो इसका कंपटीटर है, और इसके कंपैरिजन में ये देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी वैल्यू देखेंगे तो 660 रुपये है। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, एक अच्छी कंपनी, ये इंडिया बेस्ड की पूरी कंपनी, इससे अच्छा ISDS CFS सब तरह की बिजनेस करती है, इसके पास पार्किंग फैसिलिटी, और इसके सामने एक बच्चा है नौकार कॉरपोरेशन, एक नया स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन एक अट्रैक्टिव दिख रही है। तो आप नौकार कॉरपोरेशन को देखें, लेकिन इससे अच्छा कहीं अच्छा ये कंटेनर कॉरपोरेशन है, आप इसको देख सकते हैं, जो कि डिविडेंड भी दे रही है, सेल्स ग्रोथ भी 3% से अच्छा खासा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी, और आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों 11 से 15% के बीच में, जीरो डेप्ट की कंपनी है। तो ये आपके चॉइस पे छोड़ता हूँ कि आपको कंटेनर कॉरपोरेशन पसंद आता है कि नौकार पसंद आता है। एज ए वैल्यूएशन ये अच्छा दिख रहा है, वैल्यूएशन पे आप देखिए तो कोई ख़राब नहीं दिख रहा है, और वैल्यूएशन पॉइंट से एक छोटा स्पाइक भी जो कि अभी आ रहा है, जो आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली जस्ट इसने अभी एक पिवोटल पॉइंट है, इसने जस्ट अभी ये 44 का एक ये जो है पॉइंट है इसको क्रॉस किया इसने, और ये इसको क्रॉस करके आगे निकला है, ये 45 की ओर निकला है। तो ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक बार आपको यहाँ पे 52-53 ये जो है 52 का ये दिखा सकता है आपको, और यहीं पर अब इसको सॉरी यहाँ से निकला है तो ये 49 है, 50 का है, ये 50 का एक लेवल है जो आपको ये शो कर सकता है, और उसके बाद फिर 52-3 भी दिखा सकता है। तो ये जस्ट अभी स्पाइक किया है, तो यहाँ से एक अप ट्रेंड तो देखने को मिलेगा आपको, और 48-49 तक अप ट्रेंड तो देखने को मिल ही सकता है आपको, और ये क्रॉस करता है तो आपको फिर 52-53 देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में।
और 35 के स्टॉप लॉस के साथ काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 35 का स्टॉप लॉस लगाएं। 99% बैंक सेंटीमेंट है और अब देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज भी इसकी थोड़ी बड़ी है, 74%, 71%, 63%। तो डिलीवरी भी लोग बाई कर रहे हैं, बुक वैल्यू बहुत कम हो गया, 47.47 का आ गया, बहुत अच्छा है बुक वैल्यू। इंडस्ट्री पी के सामने आप देखेंगे तो 7% का ही पी है। आपको थोड़ा इसमें होल्डिंग बनाना पड़ सकता है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, बट ये खराब तो नहीं है। और देखेंगे जहाँ 72% का इसका प्रमोटर का शेयर होल्डिंग हुआ करता था, थोड़ा सा इन्होंने 4% का डाइल्यूट किया है और अभी 69.03 पे वर्क कर रहे हैं। और ऐसे इसने कोई भी देखा तो आपने कोई भी प्लीज नहीं रखा, गिरवी नहीं रखा, एक अच्छी बात है। इसमें 5 म्यूचुअल फंड की 13.78 की इस परसेंट से होल्डिंग किया हुआ है, म्यूचुअल फंड ने होल्ड किया हुआ है। 33 FI ने इसका 7.94% होल्डिंग किया हुआ है और उसमें L&T एक बहुत ही बड़ा फेमस है जिसने लिया हुआ है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है, पहले इनका 3% हुआ करता था, अब 6% हो गया है। तो जब ये गिरा तो मार्केट से बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एडवाइजर और बड़े लोग निकले, तो नीचे इंडिविजुअल जो होता है, रिटेलर इन्वेस्टर होता है, उसने अपनी पोजीशन बढ़ा ली। अभी करंटली देखेंगे तो जून के कंपैरिजन में FI ने थोड़ा सा डाइल्यूट किया है, 0.05% डाइल्यूट किया है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ा सा डाइल्यूट किया है। अदर जो बड़े डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं उन्होंने भी डाइल्यूट किया है और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उसने ऐड कर लिया है, प्रमोटर एज इट इज है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में आपको ये बताना है कि इसकी कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे हुए, एक अच्छा पैटर्न है जब तक ये गिरवी नहीं रखता है। और इनका एक कारण और भी था जिसके कारण इनका लास्ट ईयर का क्वार्टर बड़ा था, प्रॉफिट बड़ा था, इनकी बिजनेस पोजीशन में भी कमी आई थी। आप जो लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट देख रहे हैं तो इसमें देखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसका एक रीजन और भी था, इन्होंने रेट पे अपना डिस्कशन नहीं किया था तो इसको थोड़ा बिजनेस कम मिला था। लास्ट ईयर का बिजनेस ग्रोथ भी थोड़ा कम हुआ था जो यहाँ से भी आपको दिख रहा है। तो ये सब रीजन के कारण लास्ट क्वार्टर को हुआ था। लेकिन क्रूड जो भी मेन इम्पैक्ट जो देखने को मिला था, रेलवे का हाइक मिला था रेट और डीजल का रेट बढ़ना, दोनों अब लगता है कंट्रोल में है। क्रूड अभी 59.55 चल रहा है, तो अगर यहाँ पे रहता है क्रूड तो इनको बेनिफिट है, जो कि 80 के पास चला गया था, तो एक फायदा इनको पेट्रोल देखने को मिल सकता है और एक अच्छी कंपनी के रूप में आपके सामने आ सकती है। लेकिन वापस आपको यही बोलूँगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ा एक स्पाइक दिखाएगा, बट 35 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। 35 के बिलो फिर एक नया लो बनाने की कोशिश करेगा और हम आपको उस समय फिर से अपडेट दे देंगे। अभी जो दिख रहा है मुझे एक अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे कोई भी टॉप पे फंसे हैं तो उनको एक बार एवरेज भी करें और यहाँ पे और छोटा छोटा एवरेज करके ऊपर की ओर निकलेंगे तो उनका कॉस्ट खत्म होगा। अदरवाइज वो वेट करते रहेंगे कब करना है कब करना है। तो 45 इनफैक्ट तो अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है आपको तो आप 45 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। 45 अब नीचे नहीं जाना चाहिए, जाएगा नहीं मेरे अंदाज से शॉर्ट टर्म में 45, क्योंकि देखिए आपको जो पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये यही लेवल से उठा है, तो ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट है, 44.50 का है। तो 44.50 का स्टॉप लॉस के साथ भी आप चाहें तो इसको वापस बाई कर सकते हैं। 44.50 का स्टॉप लॉस लगा के इसको एक बाई कर सकते हैं। अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से अपने को एक आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। मैं नहीं बताऊँगा एग्जैक्ट क्या हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है आपको। और अगर मैं आपको इसको चार्ट पे पैटर्न पे बताने की कोशिश करूँ आपको, तो आप चार्ट पैटर्न पे भी देखेंगे तो एक अच्छा सा फॉर्म ये कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी बाइंग कर सकते हैं, बट 40 अगर बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं तो आप 44.50 का लगाइए, अदरवाइज आप 35 का स्टॉप लॉस लगाइए, जरूर लगाइए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर 35 का स्टॉप लगा करके रखें जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ से एक फिर से एक नया लो बनाने की कोशिश कर सकता है और फाइनेंशियली अच्छा दिखता है। फाइनेंशियली अब न्यू कंपनी है, न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो आप देखिए यहाँ पे जो ये कितना बुलिश पैटर्न बनाया हुआ है और ये कल के और आज के दो चीज़ के लो को एक साथ ये कोशिश करके कवर किया हुआ है। तो जो भी इसका स्ट्रेंथ चेकिंग होने वाला है, ये 52 की इस कैंडल को चेक करने वाला है ये, तो ये 52 का जो हाई है इसको अगर तोड़ता है ये, तो एक फिर बुलिश पैटर्न में आपको फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है और फिर वो 55 देखने को मिलेगा। बट आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में तो एक ये, अगर आपको इसको मैं आवरली चार्ट पे दिखाऊं आपको, आवरली से अच्छा रहेगा 4 घंटे पे दिखाऊं आपको, तो आप देखिएगा ये 4 घंटे पे देखेंगे तो ये लो यहाँ का बना रहा है 41.20 का,
और ये अब जो बना रहा है ये यहाँ पे जा रहा है 4740 का। तो इसी अप को अगर एक बार वापस क्रॉस करता है, ये जो अप है 4840 का, मीन्स आप मान लीजिए 50 का, तो यहाँ पे एक बार वापस आपको 55 की ओर देखने को मिल सकता है आपको। बट यहीं पे से वापस रिटर्न आता है ये 4760 4780। तो अगर आपको 45 में खड़ता है और 2 रुपये ऊपर मिलता है तो वहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन एक बहुत ही बुलिश पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे, बड़ी जो है देखिए सॉलिड बड़ी बनी हुई है इसकी और अभी बनी रहा है बड़ी। इसमें देखिए कंटिन्यू चल रहा है, ये 19:12 है और अभी चल रहा है, टाइम चल रहा है 11:44 का टाइम चल रहा है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, आप देखिए यहाँ पे ये पैटर्न जो बन रहा है 19:12:2018 का बन रहा है, 11:44 हो रहा है, 11:44 का टाइम है और बुलिश पैटर्न ही बनता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा पैटर्न है और अच्छी बात है। अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे देख रहा हूँ, ये देखिए कैसे ये बुलिश बनाते हुए और इसके हाई को क्रॉस कर गया है, और इसका जो हाई था वो था 44.95 और ये 45 की ओर क्रॉस करते हुए जा रहा है। तो एक पैटर्न है जो अच्छा पैटर्न बना रहा है, गैप के साथ बना रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है। तो एक अच्छी बात यह कि वॉल्यूम के साथ ये भी पैटर्न चालू किया है, तो एक पॉजिटिव पैटर्न है। तो नौकार में वापस एक बाइंग सेंटीमेंट के साथ आप अभी रह सकते हैं। अभी एक स्पाइक दिखा रहा है विथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 35, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 4450। ये दोनों के लिए है, दोनों जैसे भी पोजीशन बनाना चाहे बाएं और इसमें अपना पोजीशन बना के रख सकते हैं। ये सारे एजुकेशनल पर्पज से है और कोई भी पोजीशन बनाना हो आपको मार्केट में तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि इसके पहले भी नौकार पे मैंने एक वीडियो दिया था आपको, अगर याद होगा आपको, ये देखिए ये वीडियो दिया था जहाँ पे उस समय 76.25 चल रहा था, 8 अक्टूबर को दिया था। और आज उस समय आपको मना किया था कि इस पर कोई भी पोजीशन नहीं बनाइएगा, स्ट्रांग बोला था मैंने कि ये 35 को टेस्ट कर सकता है। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, 76.25। तो अगर आपने नहीं देखा तो इसको भी देख सकते हैं, लेकिन अब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम चला गया। अगर नहीं निकले आप तो अब निकलने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी 35 का स्टॉप लॉस लेके आप इसमें कंटिन्यू अपनी पोजीशन को रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।